सेटन की एग्जिस्टेंस शुरू से है, तो आपको नहीं लगता कि उसने इतनी पावर अब तक ले ली होगी? और जैसे मैंने आयत आपको सुनाई कि जिन्नात इकरार करेंगे कि हमने इन लोगों को गुमराह किया है, और देवर हेल्पर्स ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे से बेनिफिट लिया करते हैं, तो इट्स वेरी क्लियर कि सेटन जो है वो फारिग तो नहीं बैठा हुआ, हर तरफ से हर एंगल से आने की वो कोशिश करेगा, क्योंकि उसने ललकारा था अल्लाह ने कहा था कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा ये। प्रॉपर रिलीजन बड़ी मदद से बात है कि हम लोग अक्सर जब शैतान का जिक्र करते हैं ना दीनी सर्कल में, तो हम बड़ा उसको ना सिंपल सादा सा समझते हैं कि वो बस मेरे पे ना कोई पर्सनल अटैक कर रहा है, मुझे उसने ना कोई वसवसा डाल दिया कि नमाज छोड़ दो। बस हमारा ना तसव्वुर शैतान का ये है कि वो बस इंडिविजुअली बस हर किसी को फिसलाने में लगे। बट ऑब्वियसली वही बात जो अलीबे ने भी किया ना कि वो हमेशा से है, और हम जब पढ़ते भी हैं कि शैतान कितना स्लो ग्रेजुअली किस तरह लोगों को शिर्क की तरफ भी लेकर आया, वो कुरान में भी है शुरू में गॉड पहले पिक्चर, और ऐसा ऐसा उसको तो बड़ा पेशेंट है। तो उसने क्या दुनिया के निजाम के ऊपर काम नहीं कर रहा कि आहिस्ता 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 पूरी दुनिया को वो इस पॉइंट पे लेकर आए कि वो उसकी इबादत करे? और शुरू में नहीं कहता कि मेरी इबादत करो, शुरू में इंसान को शहवत जिना पॉर्न एडिक्शन इन सब मिल आता है, और जब इंसान पॉर्न को देखते देखते इस हद तक पहुंच जाता है कि इसको पॉर्न प्लीज नहीं करता, फिर वो आगे बढ़ता है पीडोफीलिया पे, फिर वो आगे बढ़ता है डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज पे, होमोसेक्सुअलिटी पे जाता है, फिर अल्टीमेटली इंसेस्ट पे जाता है, ठीक है, फिर मतलब इस तरह के मुख्तलिफ जो है ना वो काम यार इससे ज्यादा बहुत ज्यादा आगे जो है ना इनका वो है कि जो ये जो सर्टेन चर्चेज हैं और इनकी जो अंडरकवर जगह है ना, मतलब 60 मिनट्स ऑस्ट्रेलिया का मैं आपको पहले ही बता रहा था, यूट्यूब पे एक चैनल है उनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री है इस पे, एक बच्ची है जिसका नाम है टेरिसा, ठीक है, 15 ईयर्स ओल्ड है, वो इन सब लोगों के उसमें से निकल के आई है और उसका इंटरव्यू हो रहा है, और बड़ा पुराना इंटरव्यू है, मुझे समझ नहीं आई अभी तक, मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा था कि अभी तक कैसे वो यूट्यूब पे, बट इट्स स्टिल देयर मिलियंस ऑफ व्यूज। तो वो सारी स्टोरी आप अगर उस बच्ची का वो इंटरव्यू देखेंगे ना, तो शी इज वेरी ट्रॉमेटाइज्ड द वे शी इज स्पीकिंग, इतना आहिस्ता से, और समझ भी नहीं आ रही कि वो क्या हो रहा है। तो वो जो चीजें बता रही है ना, तो ये जो फिल्म आप बता रहे हो उसमें ये भी है कि 11 ईयर्स की एज में जो है वो मल्टीपल टाइम्स उसका अबॉर्शन भी हो चुका था, और एक उसकी बेटी भी थी 11 ईयर्स की जब वो थी, अभी वो 15 साल, ठीक है। शी नरेट्स के एक बार ऐसा भी हुआ कि उनकी जो पूरी गैदरिंग थी, सेरेमोनियल गैदरिंग जो थी, उसमें वहां दो डॉक्टर्स और नर्स भी हमेशा होते थे, तो मेरा फीटस उन्होंने निकाला, ठीक है, और वो फीटस जिंदा था, उसको उन्होंने मारा और मेरे सामने खाया और मुझे भी फोर्स किया और मुझे भी